हिंदू यानी इन पर्शियन लैंग्वेज में ये चोर होता है और डकैत होता है और रोड राबर होता है, गुलाम होता है। तो हम गुलाम जो इस ओबीसी लोगों को गुलाम बनाकर इस देश के ब्राह्मणवादी ने एक षड्यंत्र रचाकर हम लोगों के ऊपर हिंदू नाम ठोक तो आज हमने गुलबर्गा सिटी में दलित सेना की तरफ से और दलित सेना को सपोर्ट बहुत सारे दलित ऑर्गेनाइजेशन और ओबीसी के और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि ये लास्ट वीक माननीय सतीश जारकीहोली जी जो एक स्टेटमेंट दिया था, एक भाषण दिया था बेलगाम डिस्ट्रिक्ट निपाणी में, ये हिंदू एक शब्द है, वो गाली गलौज का शब्द है, वो हिंदू शब्द के बारे में सरकार कुछ सोचना चाहिए, उसके बारे में चिंतन होना चाहिए। और हिंदू एक पर्शियन लैंग्वेज है और पर्शियन हमारे देश का नहीं है बोल के वो एक स्टेटमेंट दिया था। वही स्टेटमेंट को लेकर यहाँ की संघ परिवार के कुछ लोग, बीजेपी के कुछ लीडर्स लोग सतीश जारकीहोली का जो डिफामेशन करने की बहुत सारी कोशिश किए थे, इसलिए तो जारकीहोली साहब ने उन लोगों को चैलेंज किया था कि मैंने जो बोला हिंदू नाम, ये हिंदू शब्द है, ये असली नहीं है, अगर ऐसे ये बात आप साबित करते तो मैं जो केपीसीसी का वर्किंग प्रेसिडेंट है वो वर्किंग प्रेसिडेंट के इतना ही राजीनामा नहीं, मैं एमएलए सीट को भी रिजाइन करके मैं निकल जाता हूँ बोल के बोला था। ये लोग कुछ जो चैलेंज किया था चर्चा के लिए, जो चैलेंज के लिए नहीं आए थे और वो साबित करने में भी ये लोग तैयार नहीं है, फिर भी ऑल ओवर कर्नाटक में हर डिस्ट्रिक्ट में सतीश जारकीहोली के खिलाफ जो प्रशासन और उनका नाम बदनाम करने के लिए कोशिश किए थे। हमने बोल रहे हैं कि सतीश जारकीहोली साहब जी जो बोला है हिंदू नाम जो है अश्लील है, हिंदू यानी इन पर्शियन लैंग्वेज में ये चोर होता है और डकैत होता है और रोड राबर होता है, गुलाम होता है। तो हम गुलाम जो इस ओबीसी लोगों को गुलाम बनाकर इस देश के ब्राह्मणवादी ने एक षड्यंत्र रचाकर हम लोगों को पर हिंदू नाम ठोक तो ये डाल के उन लोगों ने ब्राह्मण अलग होकर रहे। और हमने पूछ रहे हैं कि हिंदू के नाम से, हिंदू धर्म के नाम से अगर कुछ होता है तो ये ब्राह्मणवादी लोग एक स्टेटमेंट लेकर खड़े बाहर हो जाते हैं और झगड़ा ओबीसी लोग करने लगते हैं। और हिंदू धर्म, हिंदू एंड ब्राह्मणिज्म, यही हमारे कर्नाटक के जो पेजोर स्वामी जी थे, जो अभी वो माननीय पूजनीय पेजोर स्वामी जी स्टेटमेंट दिया था कि ब्राह्मणिज्म भी अलग है और हिंदुइज्म अलग है। तो ये हिंदुइज्म अलग होने के बाद ये ब्राह्मणवादी लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? सतीश जारकीहोली जो बोला है, सतीश जारकीहोली जो साहब जी तो बोला था वो क्लियर है और स्पष्ट है। सतीश जारकीहोली जो डिमांड किया था सरकार जो हिंदू के नाम के बारे में चर्चा करना, उनके बारे में संशोधन करना, उनके बारे में रिसर्च करना, वो हिंदू नाम हिंदू लोग या रखना चाहिए या नहीं रखना है बोल के जो सरकार को उसने बोला था, ये सरकार और सतीश जारकीहोली को टारगेट करके कुछ अलग, कुछ उनके नाम से बदनाम करने की कोशिश किए थे। हमने आज बहुत सारे हज़ारों संख्या में यहाँ गुलबर्गा नगर में बाबा साहब अम्बेडकर स्टैचू से अपना तिम्मापुर चौक डीसी ऑफिस जाकर थ्रू डीसी से गवर्नर को हम मेमोरेंडम दे रहा है कि हिंदू ये जो अश्लील शब्द है, हिंदू गुलाम बनकर हमें रख रहा है, ये नाम के लिए गवर्नर कर्नाटक सरकार को आप डायरेक्शन दे दीजिए और ये इसके बारे में चर्चा होना चाहिए, इसके बारे में रिसर्च होना चाहिए। हिंदू शब्द रखना चाहिए, यूज करना या नहीं करना, ये डिसाइड करने के लिए सरकार को बोले बोल के हमने आज ये प्रशासन कर रहे हैं।